अब हम कार्बन के कुछ अक्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोक। कई सारे प्रयोगों में, कई सारे धातुकर्मी प्रोसेस में आपने देखा होगा सी लिखा होता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है प्रायः कोक ही रहता है। तो कोक कोयले को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वाष्पशील गैसें निकलती हैं, उनके निकलने के बाद जो बचा हुआ ठोस होता है वो कहलाता है कोक। और इसमें 80-95% भाग जो है वो कार्बन का होता है। इसकी कठोरता बहुत कम देखी गई है और कोक बहुत कम धुएं के साथ जलता है। इसका उपयोग जब हम देखते हैं, चूँकि इसके गुण में ही हमने देखा कि ये बिना धुएं का जलता है, तो कई सारे ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है कोक का। वाटर गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, कई सारे धातुकर्मीय प्रोसेस में अपचायक के रूप में इस कोक का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखेंगे चारकोल। चारकोल तीन प्रकार का होता है, एक लकड़ी का चारकोल, शर्करा चारकोल और जंतु चारकोल। तो इसे बनाने के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लकड़ी का चारकोल। लकड़ी के चारकोल को जब बनाते हैं तो वायु की अनुपस्थिति में बहुत अधिक तेज गर्म करने पर लकड़ी को चारकोल प्राप्त होता है। ये जो चारकोल है ये सरंध्र होते हैं, भंगुर होते हैं और इसमें गैसों को अधिशोषित करने की बहुत अधिक क्षमता होती है और ये अच्छे अपचायक भी होते हैं। तो जो लकड़ी चारकोल है इसका उपयोग जब हम देखते हैं तो ये एक अच्छा ईंधन भी होता है। बारूद बनाने के लिए एक अवयव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चूँकि इसमें अधिशोषण का गुण होता है तो ये जल के शोधन में भी प्रयोग में लाया जाता है। चीनी के विलयन में जो रंगीन पदार्थ होते हैं उसको हटाने के लिए, उसको अधिशोषित करने के लिए भी लकड़ी के चारकोल का प्रयोग किया जाता है। जंतु चारकोल को बनाने के लिए जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर जंतु चारकोल प्राप्त होता है। इसकी जो अधिशोषण क्षमता होती है, इसका जो पृष्ठ तरल होता है वो अधिक होने के कारण इसकी अधिशोषण क्षमता भी अधिक होती है। इसमें भी गुण होता है कि ये रंगीन पदार्थों को अधिशोषित कर सकते हैं। कई सारे फॉस्फोरिक अम्ल या सुपर फॉस्फेट होते हैं, उनके निर्माण में भी इस तरह के जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। शर्करा चारकोल, जब शर्करा को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो शर्करा चारकोल प्राप्त होता है। सांद्र शर्करा विलयन में जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो यहाँ पर शर्करा चारकोल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर यदि C12H22O11 ये शर्करा लिया गया और इस पर H2SO4 की क्रिया कराई गई, तो इस पे H2SO4 की क्रिया कराने पर कार्बन बनता है, यानी 12C बना और जल के अणु बाहर निकलते हैं, तो 11 जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से शर्करा चारकोल प्राप्त होता है। तो जब कभी भी शर्करा चारकोल बनाना होता है तो शर्करा पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है। शर्करा चारकोल का प्रयोग कृत्रिम हीरा बनाने में किया जाता है और ये एक अच्छा अपचायक भी होता है। तो कई जगह पर अपचायक के रूप में शर्करा चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला जो अपरूप है जिसे हम लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक भी कहते हैं, जो खनिज तेल होते हैं उनके अपूर्ण दहन से जो कालिख चिपकती है, यानी वहाँ पर जो काला रंग एक भुरभुरा दिखाई देता है, वही कार्बन ब्लैक होता है। इसको फिर इकट्ठा कर लिया जाता है और ये लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक कहलाता है। तो ये कार्बन की शुद्ध अवस्था लगभग इसमें 90-98% कार्बन का होता है। इसका जो उपयोग है वो काली स्याही बनाने में किया जाता है, पेंट में, जूते की पॉलिश में इसका प्रयोग किया जाता है, टायर उद्योगों में भी इस कार्बन ब्लैक का प्रयोग किया जाता है। अगला जो अपरूप है वो है कोयला। कोयला जीवाश्म ईंधन के रूप में होता है और कोयले की जो प्राप्ति है, आप सभी जानते हैं कि बहुत अधिक तापमान, बहुत अधिक दाब और वायु की अनुपस्थिति में जो भी वनस्पति पदार्थ होते हैं उनका धीरे धीरे अपघटन होते होते कोयला बनता है।
कोयले के कई प्रकार होते हैं, जैसे बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ये सारे कोयले के प्रकार हैं। सभी में कार्बन का जो प्रतिशत मान है वो अलग अलग होता है। जैसे पीट कोयले में 60% कार्बन, इसी तरह लिग्नाइट कोयले में 70% कार्बन, एंथ्रासाइट में 90% होता है और बिटुमिनस में 80% होता है। तो इस तरह से जो कोयला है वो अलग अलग कार्बन का परसेंटेज लिए हुए होता है। और सबसे अच्छा जो कोल है जिसमें कि 90% कार्बन होता है और इसमें ये बिना धुएं का जलता है। कोल की जो सामान्य किस्म होती है जिसमें बिटुमिनस है, वो पत्थर की तरह कठोर होता है और इसके जलने से धुआं भी निकलता है। इस कोयले का प्रयोग कई जगह किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, कई इंजनों में किया जाता है, भट्टियों में किया जाता है, बॉयलरों में किया जाता है। ईंधन गैस के रूप में, जैसे प्रोड्यूसर गैस है, कोल गैस है, इनको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन के कुछ यौगिकों के बारे में हम जानेंगे। तो कार्बन के मुख्य दो यौगिक यहाँ पर हमें जानना है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत विषैला होता है। तो जब कार्बन की वायु की सीमित मात्रा में सीधे सीधे ऑक्सीकरण कराया जाता है कार्बन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो 2C प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO बनता है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त करने के लिए जो भारी धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं उस पर कोक की क्रिया कराई जाती है तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे Fe2O3 प्लस 3C इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO बनता है। तो यहाँ पर धातु के ऑक्साइड पर कोक की क्रिया कराकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस का भी एक मुख्य घटक होता है। जो वाटर गैस है उसका फॉर्मूला है CO+H2। तो वाटर गैस में चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसका भी एक मुख्य घटक होता है। इसको प्राप्त करने के लिए रक्त तप्त जो कोक है उस पर भाप प्रवाहित करने पर ये वाटर गैस प्राप्त होता है। तो कार्बन प्लस H2O, तो H2O यहाँ गैसियस फॉर्म में है यानी भाप दिया जा रहा है और बहुत अधिक टेम्परेचर है, लगभग 473 से 1273 केल्विन तक टेम्परेचर है। तो CO+H2 वाटर गैस बना और इसमें वाटर गैस जो बना है इसको हम संश्लेषित गैस के नाम से भी जानते हैं। यदि यहाँ पर भाप के स्थान पर वायु ले लिया जाए तो वायु में चूँकि नाइट्रोजन होता है तो जब नाइट्रोजन के साथ CO का मिश्रण होगा तो ये प्रोड्यूसर गैस बन जाता है। तो इसका जो रिएक्शन है 2C प्लस O2 प्लस N2, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 4N2 भी हम लेंगे। और चूँकि यहाँ पर कार्बन है सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन, चूँकि वायु लिया जा रहा है तो ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, इज इक्वल टू 2CO प्लस 4N2 बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इनका जब संयोग होगा तो इस तरह से प्रोड्यूसर गैस बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस का भी एक मुख्य घटक है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस का भी एक मुख्य घटक होता है। फॉर्मिक अम्ल का जब निर्जलीकरण किया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ पर जो निर्जली कारक है उसके रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जा रहा है। तो HCOH फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला है, H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ इसकी क्रिया कराई जा रही है तो यहाँ पे बनता है H2O प्लस CO। तो यहाँ जो टेम्परेचर है 373 केल्विन टेम्परेचर लिया गया है। वाटर गैस और जो प्रोड्यूसर गैस है ये दोनों ही व्यापारिक रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट ईंधन माने जाते हैं। दोनों को ही दहन करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और बहुत अधिक ऊष्मा भी निकलती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रंगहीन होता है, गंधहीन है, जल में बहुत कम विलेय होता है, ये प्रबल अपचायक भी होते हैं।
तो जब भी क्षारी धातु या जो संक्रमण धातु होते हैं उनके ऑक्साइड्स पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया होती है तो ये उसे उनके धातुओं में अपचयित कर देती है। जैसे अगर हम संक्रमण धातु के ऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑक्साइडों को उनके धातुओं में अपचयित कर देते हैं। तो इस तरह से जिंक ऑक्साइड प्लस CO इज इक्वल टू Zn प्लस CO2 बना। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड लेंगे तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड कॉपर को अलग कर देगा और CO2 बना देता है। और कई सारे धातुओं के निष्कर्षण में एक्सट्रैक्शन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक होता है। जैसे Fe2O3 से Fe प्राप्त किया जा सकता है, तो Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2 बनता है। तो यहाँ पर Fe2O3 से Fe बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक है जो कि आयरन के ऑक्साइड में से आयरन को अलग कर दे रहा है। ये बहुत विषैला होता है। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो प्रवाह है पूरे ब्लड में वो बाधित होता है और इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अधिक विषैला होता है और इससे दम भी घुटने लगता है, मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड धातु कार्बोनिलों का भी निर्माण करते हैं। बहुत सारे जो संक्रमण धातु हैं आयरन निकिल उनके साथ ही रिएक्ट होकर धातु कार्बोनिल बनाते हैं। जैसे निकिल के साथ जब 4CO रिएक्ट होता है तो NiCO4 एक संकुल यौगिक बना। आयरन के साथ Fe+5CO इज इक्वल टू FeCO5 बनता है। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी जब हम संरचना देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो बंध तो सहसंयोजक है और एक बंध जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक बंध यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध होता है। तो दो सहसंयोजी और एक उप सहसंयोजी बंध होता है और दोनों में एक एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों में ही होता है। और इसकी जब हम अनुनादी संरचना देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हम दो अनुनादी संरचनाओं को देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इसमें हम देखते हैं कि दोनों परमाणु कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp संकरित अवस्था में होता है। तो कार्बन का एक sp और ऑक्सीजन का एक sp इन दोनों के मध्य अतिव्यापन होता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का दूसरा sp ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म उसमें रहता है, मतलब दोनों ही कार्बन में जो sp ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा होता है जो कि अनाबंधित होता है, जो कि बंध में भाग नहीं ले रहा है। और कार्बन के pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, इनके अतिव्यापन से, इन कक्षकों के अतिव्यापन से एक पाई बंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कार्बन का py कक्षक जिसमें कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और ऑक्सीजन का py कक्षक उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य पार्श्व अतिव्यापन होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के py में इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कार्बन के py को दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ एक लुईस संरचना जब हम देखते हैं कि एक उप सहसंयोजक बंध बनता हुआ दिखाई देता है लुईस संरचना में तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि, तो इस तरह से इसकी ऑर्बिटल संरचना में हम देख रहे हैं कि sp संकरित अवस्था में दोनों हैं, दोनों परमाणु का जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में sp संकरित अवस्था है और उस तरह से यहाँ पर ओवरलैपिंग होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जब इसकी संरचना देखते हैं तो दोनों में sp संकरित अवस्था दिखाई दे रही है, तो sp के मध्य एक ओवरलैपिंग हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह से एक जो कक्षक है दोनों में ही वो अनाबंधित है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बंध बनाने भाग नहीं ले रहे हैं sp कक्षक के, और pz के मध्य यहाँ पर अतिव्यापन हो रहा है
और साथ ही यहाँ पर एक जो है PY और PY, तो एक खाली है कार्बन का और एक में भरा हुआ है, तो जिसमें पार्श्वतीय अतिव्यापन हो रहा है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। तो PZ PZ के बीच पाई बॉन्ड बना और यहाँ जो एक उपसहसंयोजक बंध दिखाई दे रहा है वो वास्तव में जो कार्बन है उसके 2PY की तरफ ऑक्सीजन के 2PY से इलेक्ट्रॉन आता हुआ रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध बनता हुआ दिखाई देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग, कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन गैस का घटक होता है, जैसा हमने देखा कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इसका एक मुख्य घटक होता है वाटर गैस CO+H2 और जो प्रोड्यूसर गैस है CO+N2। मेथिल अल्कोहल, सोडियम फॉर्मेट, इन सब यौगिकों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। निकिल का निष्कर्षण किया जाता है जब मॉन्ड प्रोसेस में, तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसको बनाने के लिए जब कार्बन का पूर्ण दहन किया जाता है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो C+O2=CO2 बनता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका भी जब ऑक्सीडेशन होता है, उनका भी जब पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता ही है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मेथेन, मेथेन पर जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस रिएक्शन को यदि हम बैलेंस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के यहाँ पर दो अणु बनते हैं। तो इस तरह से जितने भी हाइड्रोकार्बन है यदि उसका पूर्ण दहन किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता ही है। कुछ जो क्षारीय धातुएं होती हैं या जितने भी अन्य धातुएं होती हैं उनके जो कार्बोनेट है उनका जब विघटन होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही है। जैसा कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन है वो कई बार देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब विघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अर्थात कोई भी धातु का जो कार्बोनेट है, जैसे अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो धातु के जितने भी कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, उनका जब विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्रयोगशाला में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट पर HCl की क्रिया होती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट होता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और यहाँ पर जल बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड और साथ में जल भी बनता है। व्यापारिक स्तर पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है तो जो चूना पत्थर है उसके विघटन से भी इसे बनाया जा सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू CO+CaO, तो इस तरह से ये बनता है। जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराया जाता है, ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से एथिल अल्कोहल बनता है और उसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है, तो C6H12O6 इज इक्वल टू 2C2H5OH+2CO2 बनता है। तो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है उसका फर्मेंटेशन हुआ तो मुख्य उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल बना और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो रंगहीन गंधहीन गैस होता है और ये जल में बहुत कम विलेय होते हैं। कमरे के तापमान पर लगभग 50 से 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसे हम लिक्विफाई कर सकते हैं और जब द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड को वाष्पीकृत किया जाता है तो ये फिर अचानक से ठोस बन जाता है और एक बर्फ जैसा रूप ले लेता है, तो बर्फ जैसे द्रव्यमान में ये बदल जाता है, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है और ड्राई कोल्ड के रूप में ये अच्छे प्रशीतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। जब ये जल से क्रिया करता है तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ये दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल होता है। H2CO3 का जब हम विघटन देखते हैं, इसका जो आयनन है वो दो भाग में होता है, दो पदों में होता है, तो H2CO3 + H2O = HCO3 -
प्लस H3O प्लस बनता है, और फिर जो ये HCO3 माइनस है उसका पुनः H2O से रिएक्शन होने पर CO32 माइनस और H3O प्लस बनता है। तो इस तरह से ये एक द्विक्षारकीय अम्ल की तरह कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो जब ये क्षार से रिएक्ट होते हैं तो कार्बोनेट बनाते हैं धातुओं के, तो जब ये NaOH से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं और सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। तो इसका रिएक्शन है NaOH प्लस CO2 इज इक्वल टू NaHCO3। इसी प्रकार NaOH का जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो Na2CO3 प्लस H2O बनता है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कितना इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। हरे पौधे वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। तो जब हरे पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो रिएक्शन है वो आपके लिए बहुत आसान है, आप जानते ही हैं इसे। 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उपयोग है ये भी समझ में आता है कि हमारे जीवन में ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो विषैला नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे जीवाश्म ईंधन के दहन से, सीमेंट निर्माण के समय जब चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है तो चूना भट्टी में चूना पत्थर से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो जीवाश्म ईंधन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो, तो इस तरह से पूरे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि बढ़ती ही जा रही है। और इसी वजह से जो हरित गृह प्रभाव है वो दिखाई देता है, लगातार तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसे हम वैश्विक ताप कहते हैं वो भी बढ़ रहा है और लगातार ये बढ़ रहा है वैश्विक तापमान, तो ये बहुत गंभीर समस्या हमारे जीवन की है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विषैला तो नहीं है लेकिन इसकी मात्रा जब बढ़ रही है तो इससे प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है जिसमें कार्बोनेटेड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यूरिया बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये वायु से भारी होती है और दहन में सहायक नहीं होती है, तो इस वजह से इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। शुष्क बर्फ के रूप में ये अच्छा एक प्रशीतक होता है। कार्बोजन के नाम से ये कृत्रिम श्वसन में प्रयोग किया जाता है। जो कार्बोजन होता है इसमें लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और ऑक्सीजन होता है, और इन दोनों का मिश्रण जो है कार्बोजन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कर देता है, तो इसका प्रयोग हम बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं बहुत सारे प्रयोगशाला में किए जाने वाले मूलकों की पहचान जैसे कार्बोनेट मूलक की पहचान करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चूने के पानी में बहुत अधिक जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होता है, और इसमें और अधिक इसको प्रवाहित कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये दुधियापन जो है वो हट जाता है और ये रंगहीन हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना में हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य पी पाई बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, और अनुनादी संरचना जब हम बनाते हैं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है और ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो जिधर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर हम ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज देख रहे हैं और जहाँ ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड है वहाँ पर हम निगेटिव चार्ज देख रहे हैं। और इसका अनुनादी संरचना हम देखेंगे तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड और जिधर ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पर उस तरफ हो जाएगा अब सिंगल बॉन्ड, और जिधर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था अब वहाँ सिंगल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की ऑर्बिटल संरचना जब हम देखते हैं तो इसमें दो परमाणु हैं, तो कार्बन sp संकरित अवस्था में होगा लेकिन जो ऑक्सीजन है दोनों
वो sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन के जो दो दो sp2 संकरित कक्षक होते हैं वो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले होते हैं, और एक जो sp2 ऑर्बिटल है वो कार्बन के sp कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। तो जब sp2 और sp के मध्य समाक्ष अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। जो ऑक्सीजन है उसका जो pz ऑर्बिटल है और कार्बन का जो pz ऑर्बिटल है वो आपस में अतिव्यापित होते हैं और पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और दूसरे ऑक्सीजन का जो py कक्षक है वो कार्बन के py कक्षक के साथ पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करते हैं और फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑर्बिटल संरचना जब हम देखते हैं तो उसमें हमने देखा कि कार्बन के पास sp संकरित अवस्था है और ऑक्सीजन के पास दोनों ऑक्सीजन जो है वो sp2 संकरित अवस्था में है, तो उसमें अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म भी हैं, और जो sp है कार्बन का और जो sp2 है ऑक्सीजन का जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है उनके समाक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट थे जिसमें py और pz है वहाँ पर पार्श्ववर्ती अतिव्यापन दिखाई देता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को हम ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा भी समझ पा रहे हैं। सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि भूपर्पटी का, अर्थ क्रस्ट का जो लगभग 95% पार्ट है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकेट पाया जाता है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कुछ रूप है जिसे हम क्वार्ट्ज के रूप में जानते हैं, क्रिस्टेलोबेलाइट के रूप में जानते हैं, ट्राई डायमाइट के रूप में जानते हैं, और ये बहुत अधिक टेम्परेचर पे आपस में ही एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एक सहसंयोजी जालक युक्त ठोस होता है जिसमें हमने देखा कि सिलिकॉन चारों तरफ से चतुष्फल की संरचना के रूप में चार ऑक्सीजन परमाणु से सहसंयोजित रूप से जुड़ा रहता है, और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे सिलिकॉन परमाणु से जुड़ता है, और यहाँ प्रत्येक कोना दूसरे चतुष्फलक से साझा कर लेता है। तो संपूर्ण क्रिस्टल जो है एक बड़े अणु के रूप में यहाँ दिखाई देता है। तो एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से जब जुड़ता है तो इनके बीच बीच में एक एक ऑक्सीजन भी रहता है, तो ऑक्सीजन के माध्यम से एक सिलिकॉन परमाणु दूसरे सिलिकॉन परमाणु से जुड़ता है और एक बड़ा अणु यहाँ पर बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ अल्टरनेट रूप से एकांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और 8 सदस्यीय एक वलय जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये 8 सदस्यीय जो वलय जैसी संरचना है इन्हीं के लगातार लगातार रिपीटेशन से SiO2 का एक बड़ा जालक अणु जैसा दिखाई देता है जिसमें Si और O एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। SiO2 के गुण में जब हम देखें तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंथैल्पी का मान है वो बहुत उच्च होता है, और इसी वजह से ये क्रियाशील नहीं होते हैं क्योंकि इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ हैलोजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर सकते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब HF से रिएक्ट होता है तो ये बनता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और H2O। तो यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब NaOH से रिएक्ट होता है तो सोडियम सिलिकेट बनता है Na2SiO3 और बनेगा जल का अणु। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं HF और NaOH के साथ रिएक्ट होकर के सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और सोडियम सिलिकेट दोनों ही कंपाउंड यहाँ बनते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पर अक्रिस्टली सिलिकॉन बनाते हैं। SiO2 प्लस 2Mg इज इक्वल टू Si प्लस 2MgO बनता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ जो दाब विद्युत पदार्थ होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। बहुत अधिक यथार्थ जो घड़ियां होती हैं, रेडियो और जो गतिशील रेडियो संचार व्यवस्था, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल का प्रयोग
कई जगह डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, शुष्कन पदार्थ जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट घर में लाते हैं या बैग वगैरह यूज़ करते हैं या जब हम वाटर बॉटल लाते हैं तो उसमें जल को सोखने के लिए कुछ छोटे छोटे पैकेट्स डले होते हैं जो सिलिका जेल जिसमें होता है और जो कि जल को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक पदार्थ होता है किसेल गोर, जो सिलिकन डाइऑक्साइड का ही अक्रिस्टली रूप माना जाता है। इसका प्रयोग जो फिल्ट्रेशन प्लांट होता है वहाँ पे किया जाता है। SiO2 का प्रयोग अपघर्षक के निर्माण में किया जाता है, कांच के निर्माण में किया जाता है। तो सिलिकन डाइऑक्साइड का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी जगहों पर दिखाई देता है।